Hello friends, how are you all? Welcome to K Production Films. आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है, इसलिए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे फीवर हुआ है, 3 दिन से फीवर हो गया है और कुछ खा नहीं पा रहा। तो मैटर ये नहीं करता कि मुझे फीवर हो गया है, लेकिन आज जो मैंने रियलाइज़ किया इसीलिए मैं ये लाइव मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उस फ्रेंड का तबीयत ख़राब हो, उसका फ्रेंड्स घर गया हो और उसका तबीयत ख़राब है, रूम में अकेले हैं। तो चलिए मैं वक्त को बर्बाद न करते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं सोया हुआ था, मैं गहरी नींद में था, बट मुझे पूरा फीवर था, ठीक है, मैं पूरा नींद में था, रूम में सोया हुआ था, लेकिन मैंने गेट खोला हुआ था। मेरा फ्रेंड रोहित आता है, नॉक करता है, गेट को ठटकाता है, अरे कौशल गेट खोलो। मैं उठता ही नहीं, उसको लगता है कि गेट बंद है, लेकिन जब उसने प्रेशर दिया गेट को तो गेट खुल गया। लेकिन तब भी मैं नींद में था, मेरा होश था ही नहीं कि मैं किस दुनिया में हूँ, कहाँ पे हूँ, मैंने ना शरीर का फ्रेंड देखिए, बहुत ही छोटी बात है लेकिन मैं आपको साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी ये तो सब कुछ है। अगर आप बाहर में अकेले पढ़ाई करते हो सकता है आपका फ्रेंड्स घर गया हो, आप अकेले हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ दवा तो आपको लेना ही चाहिए, तुरंत दवा डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स की, जितना भी आपका इम्पोर्टेंट मोबाइल है, सामान है, इतना तो आप उसको अरेंज करके कहीं अपने बैग में ताला मार के रख दीजिए, कहीं गेट खुला हुआ है, हो सकता है कोई फ्रेंड्स आकर आपसे धोखा भी कर दे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो जब आप अकेले हो तो गेट आप खोल दो, हो सकता है कि रात में आपका तबीयत ख़राब हो सकता है कि आप मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि आप उठ बेहोश हो गए, आप उठ नहीं पा रहे हो, तो बगल वाला भी आके देखेगा, तो देखेगा ना कि हाँ ये लड़का उठा क्यों नहीं है बेटा, सबसे बड़ी बात है। और मेरे लाइफ में ये 2 बार हो चुका है। मैं वैसे बिहार से रहने वाला हूँ, सिवान का, मैं अपने घर में अकेले सोया था, ऐसे ही माथा भारी था, पूरा माथा भारी था। मेरे सिस्टर के घर मैंने जस्ट बगल में, और मैं रात को सोया दो और दिन को 2:30 में उठा ही नहीं। मैंने अंदर से लॉक कर दिया था गेट, लॉक करना पड़ता है। मेरे सिस्टर को लगा कि भाई 2:30 में जो लड़का 5-8 बजे उठ जाता है, जिम के लिए चला जाता है, वो 2:30 में क्यों नहीं उठा, उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ। सबसे पहले जो नीचे का जो गेट था उसको काटा गया, और काटने के बाद जिस रूम में मैं सोया था उसको भी लॉक किया था। मेरे सिस्टर जो मेरा भगिना है अतुल, गेट हटका रहा है, अरे मामा जी खोलिए। पहले तो गेट को काटा गया, गेट काटने के बाद अंदर से भी लॉक किया गया, तो गेट को तोड़ा गया। मैं गहरी नींद में था। हो सकता था कि अगर किसी को मेरी सिस्टर वहाँ नहीं रहती, केयर नहीं करती, तो हो सकता था कि मैं आज जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों दिमाग खोल लें कि अगर आप बाहर रह रहे हो, आपको फीवर है, तबीयत ख़राब है, तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, अगल बगल में जो भी दोस्त रहते हैं, कि यार एक बार प्लीज़ आके चेक कर जाना, मुझे देख लेना प्लीज़। यार देखो रिक्वेस्ट करने में कोई ये नहीं, पैसा नहीं लगता है, अगर आप अकेले रह रहे, अगर फ्रेंड आपके साथ है तो इट्स ओके। यार मेरा भी फ्रेंड मेरे साथ था तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, वो मुझे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे उसने पूरा मेरा माथा सेका, ऐसे ऐसे किया, तो मुझे रिलैक्स हुआ, लेकिन आज वो नहीं है। तो रोहित आया, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, रोहित आया, गेट नॉक किया,
देखा मैं सोया हुआ था, उसने आके पानी फेंका आँख में, तब मैं उठा। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप बाहर रहते हो तो आपको दिमाग में ये बात लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है गेट तोड़ते, हो सकता है आपका फ्रेंड्स नहीं आए, बगल वाले जो रहते हैं वो कभी आपको देख ले कि भाई ये तो सुबह उठ जाता है, उठता नहीं है, चलो थोड़ा देख ले, गेट खुला होगा तभी तो देखेंगे। तो मैटर ये नहीं करता कि आपका सामान चोरी हो जाएगा, मैं तो इसलिए बोल दिया कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्रूशियल सामान है उसको आप बैग में रख लीजिए, ताला मार दीजिए ताकि वो कोई चाहे तो नहीं कर पाए, रैक में ऊपर रख दीजिए और गेट खोल कर सोइए। अगर लगता है कि नहीं आप बहुत अधिक तबीयत खराब है तो अपने घर चले जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आज ये रियल के प्रोडक्शन फिल्म्स रियलिटी दिखाता है, आप हमसे जुड़ रहे हैं, बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देंगे रियल हैपेंस। जब जागते रहते हैं, सोते रहते हैं तो कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, ये मेरे साथ ही हुआ है फ्रेंड्स। अभी मैं फीवर से गुजर रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स बाहर गया है और सब्जी लाने के लिए, वो आज यहीं पर रहेगा। तो आज मुझकी रियलाइज हुआ, तो तुरंत उठ कर मेरा फ्रेंड्स आया, मुझे उठाया, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। हो सकता था कि वो नहीं आता, गेट बंद रहता, ठटकाता फिर चला जाता, गेट तोड़ना पड़ता। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, और सबसे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो फ्रेंड्स ये दिमाग में रख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अकेले रहते हैं, तो इनको ये वीडियो को देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और फिर मैं बताता हूँ के प्रोडक्शन फिल्म से आप जुड़े रहेंगे तो जो भी रियलिटी होता है लाइफ, मैं इंसान हूँ, मेरे साथ जो रियलिटी हो रहा है हो सकता है आपके साथ भी हो। अभी और एक मैं दूसरे वीडियो में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ओला आप हंसेंगे, तो जो रियलिटी है उसी पे बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो ओला की कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं बताऊँगा जरूर, मोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अपना ख्याल रखें।